हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट कल स्टार्ट किया था। तो इसमें सबसे पहले मैं बताने लगी हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स जो हैं महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे अगर मैग्नेट की बात करें तो उसके अराउंड जो इफ़ेक्ट हम महसूस करते हैं वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी के साथ, ये बी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन शो की है। और जनरली इसको मेजर हम करते हैं, जो यूनिट है इसका ऐसा ही, दैट इज़ टेस्ला। ये हमने अभी बाद में डिटेल में करना है, इसको डिफ़ाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को भी, उसके यूनिट को भी डिफ़ाइन करेंगे टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले मैं इसी कंटेक्स्ट में ये बताने लगी हूँ कि मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब लगती है। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या लिया, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड में है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। दोबारा से सुनो, चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो जो उसके ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू FM इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से हमने जब इसको खोलना है इट विल बिकम क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जो आ गई मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर सिंपल हमने लॉरेंट्ज फोर्स डिफाइन करनी हो तो लॉरेंट्ज फोर्स जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। दैट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस चार्ज पार्टिकल की है। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक भी लगेगी। फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इसी तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अभी मैंने बताई क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू दोनों में कॉमन है, क्यू बाहर निकाल लो तो अंदर बच गया ई प्लस वी क्रॉस बी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक होगी तो अकेले हम मैग्नेटिक इफेक्ट लेंगे, अगर सिंपल वर्ड यूज़ किया हुआ लॉरेंट्ज फोर्स का देन वी विल यूज अप द फोर्स एज एफ, और ये कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों का। दोनों की वैल्यू लगाओ तो तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगी क्या हो ई प्लस वी क्रॉस बी, दिस इज़ द लॉरेंट्ज फोर्स। कई बार सिंपल इसको डिनोट किया होता है लॉरेंट्ज फोर्स को मैग्नेटिक से भी, वो उसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, वो सिचुएशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं।